नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश धस्माना आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। मित्रों, यदा कदा मैं आप लोगों से वार्तालाप करके बड़ा आनंद पाता हूं और मुझे कई बार मेरे मित्रों ने, मेरी बहनों ने, मेरी बेटियों ने बड़ा सुंदर सा प्रश्न किया कई बार कि आचार्य जी, जब कभी आप वार्तालाप करते हैं तो थोड़ा सा उसमें ज्ञान की चर्चा भी दे दिया कीजिए। तो मित्रों, ऐसा है, अपने बाल गोपालों को जब आप संस्कारित करते हो तो आनंद की प्रतिभूति होती है। सनातन धर्म में संस्कार ही सर्वोपरि हैं। शास्त्र में कहा भी है कि जिन मात पिता की सेवा की तिन तीर्थ काज क्यों न कियो। भगवान गणेश की आप सदैव उपासना करते हैं, गणपति महाराज को प्रथम पूजनीय मानते हैं, जानते हैं क्यों? माता पिता के आशीर्वाद के द्वारा गणपति महाराज को पहला स्थान दिया गया है। देवों के देव महादेव जिनके पिता हैं, जगत जननी माँ पार्वती जिनकी माँ है, देवताओं में एक बार होड़ लग गई कि किसको प्रथम स्थान दिया जाए, ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, शंकर जी को। भगवान ने कहा ऐसा करो, परीक्षा ले लो। और सभी देवताओं को यह चेतना दी गई कि जो पूरे ब्रह्मांड की सबसे पहले परिक्रमा करके आएगा उसे ही प्रथम पूज्य स्थान दिया जाएगा। सभी देवता अपने अपने वाहनों से निकल पड़े। किसी का वाहन शेर है तो किसी का वाहन हिरण है, किसी का वाहन मोर है, किसी का वाहन गरुड़ है, अनेक प्रकार के वाहनों के साथ में, और शीघ्र दौड़ में चल पड़े। गणपति महाराज ने सोचा, एक तो मेरा वजन ही पहले बहुत ज्यादा है, ऊपर से मेरा वाहन मूषक। बुद्धि विवेक से काम लिया, माता पिता को बिठाया और उनकी 7 बार परिक्रमा करके पहले स्थान में बैठ गए। सभी देवता आए तो सभी ने देखा, क्या देखते हैं कि सबसे आगे तो गणेश जी चल रहे हैं। जब वहां पहुंचे तो यहां भी गणेश जी बैठे हुए हैं और एक मत से सभी ने गणेश जी को प्रथम पूजनीय मान लिया। भगवान शंकर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तब गणेश जी ने कहा, ये जो हम मंत्र बोलते हैं ना, त्वमेव माता श पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवः। जिन माता पिता ने मुझे जन्म दिया, जिनके औरत से मैं इस पृथ्वी पर आया हूँ, जिनके सानिध्य से मैं बड़ा हुआ हूँ और जिनके प्रेम आलंगन से मैं अपने आप को सुदृढ़ समझता हूँ, वो सदैव मेरे साथ हैं, उनकी मैं प्रथम पूजना करता हूँ। तो कहते हैं, माता पिता के आशीर्वाद के द्वारा ही गणेश जी को पहला स्थान दिया गया। अब पहले स्थान में कोई भी कार्य करते हैं, शुभदायक हो, अशुभ हो, कैसा भी कर्म हो, तो गणेश जी का ध्यान सर्वप्रत करते हैं, श्री गणेशाय नमः। चतुर्वेद यानी सतिया इत्यादि बना करके, गणेश जी की उपासना करके तभी कार्य सिद्ध होते हैं। और हम कहते हैं ना, कार्य करने के लिए श्री गणेशाय नमः। आप घर से निकलते हो, घर से निकलते हुए ओम श्री गणेशाय नमः ये बोल करके निकलिए, आपका कार्य 100% संपन्न होगा। हाँ, पर ये ध्यान दीजिएगा, आप कहोगे मैंने तो पूरे साल पढ़ा नहीं, श्री गणेशाय नमः करके मैं पढ़ाई हो जाएगी, माफ कीजिए, कर्म पहले, कर्म प्रधान है, कर्म के बाद ही वृद्धि होती है। तो आइए, अप्रैल मास में एक पर्व है जिसका नाम है, मैंने पहले भी कहा था आपको, मैं पाप मोचनी एकादशी, यह जो है 5 अप्रैल को है। एकादशी विशेषतः आपने देखा होगा, 24 प्रति मास में
शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है, यानी 15-15 दिन के बाद। तो दोनों एकादशी का अपना अपना महत्व है, कृष्ण पक्ष की एकादशी का और शुक्ल पक्ष की एकादशी का। ये पाप मोचनी एकादशी शुक्ल पक्ष की एकादशी है, यह व्रत चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी विशेषतः 5 अप्रैल को कृष्ण पक्ष में है, क्योंकि 9 अप्रैल से शुक्ल पक्ष लगेगा। तो यह एकादशी पाप मोचनी है, यह व्रत चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अर्ध दान आदि से षोडशोपचार पूजा करनी चाहिए। किस प्रकार से? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरिमन नारायण नारायण नारायण। विशेष नारायण की पूजा, चतुर्मुखधारी जो जिनका स्वरूप शांताकारम भुजगशयिनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदिशम मेघवर्णम सुवांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योग विद्यानिगम्यम वंदे विष्णु भवभैरणम सर्वलोकेकिनार्थम। सभी लोगों में जो जीव का कल्याण करते हैं, ऐसा शांत स्वरूप नारायण, उनकी उपासना इस पर्व में करनी चाहिए। कहते हैं प्राचीन समय में चित्ररथ नामक अति रमणीक वन था। इसी वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं के साथ देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते थे। मेधावी नामक ऋषि भी यहाँ तपस्या करते थे। ऋषि शिव उपासक थे, तो अप्सराएं शिव द्रोहिणी अनंगदासी अनुचरी थी। एक समय का प्रसंग है कि रति नाहा कामदेव ने मेधावी मुनि को तप च्युत करने के लिए मंजुघोषा नामक अप्सरा को नृत्यगान करने के लिए उनके सम्मुख भेजा। युवावस्था वाले ऋषि अप्सरा के हाव भाव देख नृत्य गीत तथा कटाक्षों पर काम मोहित हो गए। भगवान इंद्र सदैव भयभीत रहते हैं, कोई ऋषि मुनि मेरे इस पद आसन को, कहते हैं ना सिंहासन अगर एक बार मिल जाए तो उस पद को कोई छोड़ना नहीं चाहता। ये इंद्र हमारी इंद्रियां हैं, हम भी अनेक प्रकार की कामनाएं करते हैं, तो इंद्र को ये डर लगा रहता था। और इसलिए वो जितने भी साम दाम दंड भेद नीति के द्वारा इनके तप को जो है विघ्न कर देता था। इन कटाक्षों के द्वारा, उस अप्सरा के कटाक्षों पर मोहित हो गए और रति क्रिया करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो गए। मंजुघोषा ने एक दिन स्वस्थान गमनार्थ आज्ञा मांगी, अपने घर जाने के लिए आज्ञा मांगी ऋषि से। आज्ञा मांगने पर मुनि के कानों पर चींटी दौड़ी तथा उन्हें आत्मज्ञान हुआ, अपने को रसाताल में पहुंचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजुघोषा को समझकर मुनि ने उसे पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। साप सुनकर के मंजुघोषा ने वायु द्वारा प्रताड़ित कदली वृक्ष की भांति कांपते हुए मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनि ने पाप मोचनी एकादशी के व्रत रखने को कहा। वह मुक्ति विधान बताकर मेधावी ऋषि पिता चवन के आश्रम में गए और श्राप की बात सुनकर के चवन ऋषि के पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्हें चैत्र मास की पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने की आज्ञा दी। इस एकादशी के प्रभाव से मंजुघोषा ने पिशाचनी योनि तथा मेधावी ऋषि ने पाप से मुक्ति प्राप्त की। तो मित्रों, यह 5 अप्रैल 2024 को यह पाप मोचनी एकादशी आएगी। व्रत रखें, भगवान की कृपा से आपके अज्ञानतावश किए हुए पाप जितने होंगे उनका जो है विमोचन हो जाएगा और भगवान नारायण आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हुए आपको सद्मार्ग सही दिशा भाव में लेकर के मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। तो ऐसी एकादशी के द्वारा मनुष्य अपने पापों का निवारण करके और मोक्ष का प्रतिगामी हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए विचारों के साथ, नए वक्तव्यों के साथ आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।